चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ से सवाल किया है कि गेहूं, चना, सरसों या चावल हो, सभी पर बोनस देने की बात कहने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने सवा साल में एक को भी बोनस क्यों नहीं दिया। शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए हैं। उनके वचन पत्र में जो उन्होंने वचन दिए थे, अब मैं लगातार कमलनाथ जी से पूछूंगा, वो एक भी वचन पूरा किए हो तो बताएं। उन्होंने कहा, आज मैं एक वचन आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था, कई फसलों का नाम लिखकर कहा था कि हम गेहूं, चना, सरसों या चावल हो, सभी पर बोनस देंगे। सवा साल में एक को भी बोनस दिया क्या? मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था, हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। सवा साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।